जब बेब को हमने रानी ताल से रेस्क्यू किया था तो उसके कंधे पर एक बहुत गहरा जख्म था जिसमें कई मैगेट्स पड़ गए थे और वो बहुत मैलनरिश्ड था। मेंज की वजह से उसका पूरा शरीर सर से लेकर पैरों तक सूजा हुआ था और उसके बाल भी झड़ चुके थे। हमने उसकी ट्रीटमेंट फौरन शुरू कर दी। अब बेब के परिवार वालों ने उसको क्यों छोड़ दिया था ये तो हम नहीं जानते, पर इतना जरूर दिख रहा था कि वो बहुत दुखी था। अब आमतौर पे किसी कुत्ते को नाम से बुलाओ या कम से कम खाना दो तो दौड़ा चला आता है, बेब ऐसा कुछ भी नहीं करता था। सारा दिन वो केनल में बैठ के बस जो बाकी डॉग्स वॉक पे जा रहे होते थे उन्हें देखता रहता था। ऐसा लगता था जैसे वो पूछ रहा हो कि मैं कैद में क्यों। उसकी स्किन कंडीशन की वजह से हम उसे बाहर नहीं ले जा सकते थे और उसे अपनी केनल में ही रहना पड़ रहा था, इसलिए हमने केनल में ही उसके साथ समय बिताना शुरू कर दिया और उसे ये कह के तसल्ली दी कि बस थोड़ा और। अब थोड़ा और कर करके हमने उसके 2 महीने निकलवा दिए। इन 2 महीनों में उसके घाव भी काफी हद तक भर गए, उसकी स्किन भी पहले से बहुत बेहतर हो गई और अब क्योंकि हम उसको वॉक्स पे ले जा पा रहे थे तो उसका मूड भी काफी बेहतर रहने लगा। और एक दिन ऐसा आया जब वो अपना नाम सुन के पूंछ हिलाने लगा। तो ऐसे ही एक दिन हम वॉक पे जा रहे थे और हमने उसकी टांग पे गांठ सी देखी और जांच करने पे वो वही निकली जिसका हमें डर था। वो एक कैंसरस ट्यूमर था। इतने महीनों बाद उसे बाहर घूमने का मौका मिला था, पर क्योंकि उसे चलने और बैठने में दर्द हो रहा था तो एक बार फिर से उसे कैद में रहना पड़ा। उसके बाल फिर से झड़ गए, पर इस बार कीमोथेरेपी की वजह से, और वो फिर से निराश रहने लगा। बेब तो निराश था ही था, पर उसको फिर उस हालत में पा के जिससे हमने उसको निकाला था हम भी निराश हो गए। लेकिन हम बहुत समय तक निराश नहीं रह सकते थे क्योंकि फिर बेब को तसल्ली कौन देता। और एक बार फिर सिलसिला शुरू हुआ केनल में ही बेब के साथ समय बिताने का और उसे तसल्ली देने का कि बस थोड़ा और। अब पता हम सबको है कि समय चाहे जितना खराब हो अंततः निकल तो जाता है, पर उस समय हमें किसी की जरूरत होती है जो हमें ये बात याद दिलाता रहे, तसल्ली देता रहे। अब बेब का ट्यूमर पूरी तरह से ठीक हो गया, उसके बाल भी वापस आने लगे और वो हमारे साथ वॉक्स भी जाते हैं। लेकिन फिर भी उसके मन में एक टीस है कि उसके सारे दोस्त अडॉप्ट हो गए और वो अभी भी केनल में रहता है। और जब तक बेब को घर नहीं मिलता हम उसको अभी भी यही कह के तसल्ली देते हैं कि बस थोड़ा और, ये भी दिन गुजर जाएंगे।